एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र व छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के साथ योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में गोष्ठी की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिले में छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तथा प्रधानाचार्य शिक्षक कर्मचारियों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता लाने के लिए 15 दिवसीय तरुण सुरक्षा अभियान जनपद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 26 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है तथा 10 मई को समाप्त होगा। इस 15 दिवसीय अभियान के तहत सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों के साथ गोष्ठी कर स्कूली बच्चों की सुरक्षा व उनके विकास के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से भलीभांति अवगत कराते हुए उनमें चेतना व जागरूकता पैदा की जा रही है तथा उन्हें शासन की मंशा व पुलिस से संबंधित योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक स्कूल में अध्यापन करने वाले अध्यापक, ऑफिशियल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालकों तथा अन्य सहायकों के फोटो, नाम, पता, मोबाइल नंबर संग्रहित कर उनका चरित्र सत्यापन, वाहन चालकों का मेडिकल कराकर व उनके ड्राइविंग लाइसेंस व अनुभव की जानकारी प्राप्त करना, वाहन चालकों के पूर्व क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी एकत्र किया जाना, वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी हेतु वर्कशॉप आयोजित करना, वाहनों की फिटनेस चेक कर सत्यापित कराए जाने के लिए सभी विद्यालय को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, सभी विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, डिटैच करने के उद्देश्य से विचार विमर्श के लिए कुछ अनुभव और बातें आप हमको बताएं, कुछ हमारी सुने, इसी उद्देश्य से ये मीटिंग आहूत है। एक शासन के विषय में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं। हम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सीबीएसई द्वारा, आईसीएसई द्वारा जारी किए गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर विद्यालयों को पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हम लोग वार्ता करेंगे। इसी क्रम में मैं पीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री रामेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी प्रधानाचार्य और प्रबंधकों की गोष्ठी में अपने विचार आमंत्रित करें। एसएसपी साहब उपस्थित, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एआरटीओ साहब, डीआर साहब और इस गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उपस्थित हमारे सभी सुरक्षाकर्मी और ऐसाई, हम सभी लोग जानते हैं कि लोग धन्यवाद। आज एसएसपी साहब और डीएम साहब के निर्देश पे आज जो गोष्ठी हो रही है उसमें उपस्थित हमारे जनपद के तेजस्वी और कर्मठ और मार्गदर्शन देने वाले एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सभी एसपी साहब और सभी पुलिस विभाग के हमारे इंस्पेक्टरगण और हमारे बीच में उपस्थित आरटी विभाग के अधिकारीगण, डीसी साहब और विभिन्न स्कूलों से आए हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल और अन्य उनके साथीगण। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तत्पर है, क्योंकि कुछ घटनाएं और जिलों में हो चुकी हैं, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, क्योंकि हमारा जनपद बहुत सेंसिटिव है। अगर छोटी सी घटना होती है पूरे यूपी में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी बात फैलती है। मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे सीबीएसई आईसीएसई के, हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तत्पर हैं कि बच्चों की सुरक्षा किसी तरह से पूरी की जाए और कोई भी बच्चा किसी प्रकार से आहत ना हो। उसके लिए जो दिशा निर्देश कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हैं, हाई कोर्ट ने भेजे हैं, उसका आप लोग अच्छा तरह पालन करेंगे। ज़्यादातर स्कूलों में आईसीएसई सीबीएसई वालों में बसों का एक ही द्वारा ही बच्चे आते हैं और उसमें
हमारा नहीं है, उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, अन्य डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। हम सब लोग मिलके एसएसपी महोदय को आश्वस्त करना चाहेंगे, चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेक होल्डर हमारे पेरेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका भी हम व्यू जानेंगे बाद में, उनकी भी गोष्ठी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पेरेंट अपने ट्रस्ट पे बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि बच्चा हमारा ऐसी जगह पढ़ने के लिए जा रहा है जहाँ उसके लिए एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, चाहे उसका विद्यालय का वाहन हो, चाहे विद्यालय का प्रेमिसिस हो, विद्यालय के टॉयलेट्स हो, लाइब्रेरी हो। हर जगह पेरेंट्स ये सोचता है कि बच्चा हमारा सुरक्षित जगह जा रहा है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहला काम है विद्यालय की, जितना हमारा ड्राइवर्स और सपोर्टिंग स्टाफ है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, यूपी कॉप की वेबसाइट पे जाके करा सकते हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है। और जो वेरिफिकेशन कर्मचारियों का किया है उसमें विद्यालय प्रबंधन और गार्जियंस उसको क्रॉस चेक करें कि जहाँ पहले ही ये काम करता था वहाँ से क्यों निकाला गया। ये एंटीसीडेंट्स आप ही चेक कर सकते हैं, करना चाहिए कि किस गलती पर निकाला गया। हो सकता है उसका क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, कोई और मिसबिहेव करता हो, मिसट्रस्ट उसने कुछ किया हो, मिसचीव की हो, जो रिकॉर्ड में ना हो, तो बात करने से वो बातें पता चल जाती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होती हैं। विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, पर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग, वहाँ लगातार कोई मॉनिटरिंग तो करे बैठ के कि किस कक्षे में क्या हो रहा है। प्रधानाचार्य महोदय के कक्ष में लगा होता है, प्रधानाचार्य दूसरे काम में बिजी रहते हैं, लगातार मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम डेडिकेटेड होना चाहिए। हम लोग पुलिस लाइन पुलिस में अपना डेडिकेटेड कंट्रोल रूम रखते हैं, वहाँ आदमी वॉच करता है लगातार, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। डिपार्टमेंट के मेरे साथ ही अधिकारीगण और मीडिया बंधु, वैसे तो आज की ये गोष्ठी स्कूलों के परिवहन से संबंधित थी, लेकिन सुबह मुझे एसएसपी सर की तरफ निर्देश मिला कि क्योंकि यहाँ पे सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यगण आए हुए हैं, तो एक वक्तव्य यहाँ पे मिशन शक्ति के ऊपर भी हो जाए। भाई सके कहने के बाद भी कि आप लोगों की बहुत अहम भूमिका है इसमें। आपके स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको सशक्त करना, उनको उनकी सुरक्षा से संबंधित जानकारी देना बहुत अहम है। इसलिए ये जो मिशन शक्ति है इसके सक्सेसफुल होने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है इसमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए और जो अपराधों के इन्वेस्टिगेशन हो गए उसमें चार्जशीट लग गई है, उनको ट्रायल पे ला करके उसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उद्देश्य से मिशन शक्ति का अभियान प्रारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यह अभियान 20 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था महिलाओं में उनकी सुरक्षा के संबंध कानून की जानकारी देना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र सजा दिलवाना, मंचर्य व शोध जो महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में खलल डालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसका मतलब है कि एक ऐसे माहौल तैयार करना चाहते हैं हम सभी मिलकर के जिसमें महिलाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें, कहीं आने जाने में, कहीं कोई कार्य करने में उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो। डीआरटीओ साहब, मेरे साथी पुलिस अधीक्षकगण, क्षेत्राधिकारीगण, सभी इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारी, एसएचओ, एसओ, मेरे साथीगण और यहाँ मौजूद सम्मानित प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट इंचार्ज और मीडिया के बंधु, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि हमारे बुलाने पर आप आए और मैं आपके संडे की हत्या करने का दोषी भी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर संडे के अलावा मुझे लगा कोई दिन होगा नहीं जब आप लोग फ्री होंगे, तो इसी वजह से मुझे ये अपराध करना पड़ा। वैसे तो अंतिम वक्ता के लिए बड़ी समस्या होती है कि क्या बोले, क्योंकि सब कुछ तो बोल दिया है,
कुछ चीज छूटी नहीं है बताने के लिए, तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दो पीरियड दे देते तो हमारे बच्चों को नियम पता चल जाएगा, हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स तक भी संदेश जा सकता। सर मेरा सुझाव है, बुरा मत मानिएगा। तीसरा विषय ऐसा है, जैसे आपने कहा कि आप हमको विश्वास में लीजिए, आप हमको कष्ट दीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, तो हम ऐसा अवसर ढूंढे ताकि हम स्कूलों में विजिट करें। आप करते होंगे शायद, लेकिन हमारे तक हुआ नहीं। तो अगर विजिट होता है या मीटिंग होता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और इससे हमको बहुत आपका सहयोग मिलेगा। सर चौथा बिंदु ऐसा है, जैसे रोड सेफ्टी स्कूल सेफ्टी कमेटी होता है, पीटीए होता है, तो हम चाहेंगे कि जैसे हमारे में जो कुछ प्रमुख लोग हैं वहाँ सदस्य बने उस कमेटी के, तो ताकि सेफ्टी बनी रहे बाहर और स्कूल के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्कूल से अगर जुड़ जाओगे तो हमको अच्छा, सभी स्कूलों के साथ जुड़िए सर। और पाँचवा बिंदु ऐसा है कि जैसे कुछ हम मनाते हैं 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव या कुछ सैनिक दिन या आर्मी डे, तो उस अवसर पे हम बच्चों को आर्म्स या डिफेंस के बारे में जानकारी दें ताकि उसका सदुपयोग कैसे होता है और ताकि बच्चे मोटिवेट होकर भविष्य में संस्था से जुड़े। जी आज प्रेक्षागृह में हमने ये मीटिंग आयोजित की है जिसमें कि स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापकों को बुलाया गया है और इसमें पुलिस विभाग, BSA, DIOS, RTO कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों से भी अधिकारीगण आए हैं। ये मीटिंग का दौर चलाया गया है जिससे कि संवाद और समन्वय की एक प्रक्रिया स्थापित हो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापकों और सरकारी विभागों के बीच में, विशेषकर पुलिस के बीच में, जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका आदान प्रदान हो और जो समस्याएं समाधान योग्य हैं उनका समाधान किया जाए और जो नहीं हो पा रही समाधान उनका किस प्रकार से समाधान होगा इस पर निरंतर विचार किया जा सके। साथ ही जो ट्रैफिक के संबंध में जो नियम बने हैं और महिला सुरक्षा के संबंध में जो हमारा अभियान चल रहा है मिशन शक्ति का, इसको और किस प्रकार से स्कूलों के माध्यम से और इसको जागरूकता लाई जाए, इसको प्रभावी बनाया जाए, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। आत्मरक्षा के लिए स्कूलों को किस प्रकार से तैयार किया जाए इस बारे में विचार हुआ है और इसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिसमें कि हमारे जो लोकल पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापक, उनके बीच में वार्तालाप हुआ है और ये एक सिलसिला जारी हुआ है आपसी समन्वय का, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे कि जो असामाजिक और आपराधिक तत्व हैं वो हमारे छात्र छात्राओं से दूर रहें। हमारे छात्र छात्राओं को यदि किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता हो तो तत्काल उनको उपलब्ध करवाई जा सके और हमारे स्कूल्स जो हैं वो एक विद्या का घर बने और वहाँ पर हम सभ्य समाज की स्थापना कर पाएँ सरल और सुगम तरीके से, ये एक प्रयास हमारी तरफ से आज किया गया है।